नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं केबल कार की। केबल कार की इसलिए बात करने जा रहे हैं कि आज भोपाल की नगर सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह था। शपथ ग्रहण समारोह में भोपाल के सभी नेता, विधायक, मंत्री सभी मौजूद थे, लेकिन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कह सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मौजूद थे और उन्होंने सबको कहीं ना कहीं काम करने की बात करी। उन्होंने कहा कि किस तरीके से शहर को सुंदर बनाना है, कैसे शहर को स्वच्छ बनाना है, कैसे एक शहर ग्रीन बनेगा। जब उन्होंने शहर ग्रीन की बात करी, पॉल्यूशन मुक्त शहर की बात करी, तो उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। बड़ी बात ये कही कि उन्होंने कहा कि हम जिस तरीके से प्रदेश में एक पूरे प्रदेश में और पूरे हर छोटे छोटे जिलों में हम फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, उसके साथ ही हमें अब आकाश मतलब केवल कार भी बनाने की ज़रूरत है। मैंने एक केवल कार जो कि कभी कभी देखते हैं कि बड़ा, जैसे भोपाल की बात कर रहे हैं तो भोपाल में बड़ा तालाब है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र उसने कवर कर रखा है। हमको इस भोपाल के तालाब के इस कोने से उस कोने जाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। जाना होता तो VIP रोड का सहारा लेना पड़ता है, कभी ये होता है कि हम जाम में फंस जाते हैं और कभी कभी ये स्थिति भी होती है कि उस जाम की वजह से पोल्यूशन भी होता है। तो उन्होंने कहा कि हम केबल कार भी चला सकते हैं। यदि हम भोपाल के कमला पार्क में खड़े हुए हैं और हमें लाल घाटी तक जाना है तो हम आराम से एक केबल कार के माध्यम से अगले 5 से 7 मिनट में लाल घाटी पहुँच सकते हैं। तो सरकार ने साफ कर दिया, मैंने सरकार मतलब शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि प्रदेश में बहुत जल्दी केबल कारें चल सकती हैं, क्योंकि हम जमीन पे तो लगातार हम रोड्स बना रहे हैं, उसके बाद फ्लाईओवर्स बना रहे हैं। हम दिल्ली में भी देखते हैं कि आजकल डबल फ्लाईओवर्स भी बनने की बात आ गई है, लेकिन अभी छोटे छोटे प्रदेशों में अभी इस तरीके की बात नहीं है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि वो केबल कार भी लेके आ सकती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी जब इसकी एक पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी और कह सकते हैं कि जब इस केबल कार शुरू हो जाएगी। हालांकि वक्त लगेगा, अभी DPR बनेगी, प्रोजेक्ट बनेगा, उसको कहने अप्रूव किया जाएगा, उसके लिए बजट सेंक्शन होगा, लेकिन जब भी ये केबल कार मतलब भोपाल में या शहर एक शहर से दूसरे शहर के बीच में चलेगी तो हम कह सकते हैं कि हमको बहुत खुशनुमा माहौल दिखाई देगा, क्योंकि एक तो भोपाल के आसपास हरियाली है, दूसरे भोपाल से यदि कोई दूसरे शहर को यदि हम जोड़ते हैं तो उसके बीच में काफ़ी हरियाली है, तो बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि क्या कुछ उन्होंने कहा केबल कार को लेकर वो भी आप सुनिए। संख्या को देखते हुए केबल कार आसमान में चला दी जाए एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और केबल कार की जो कल्पना है वो गोरी कल्पना नहीं है। अगर हमको हमारे महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से और सीधे एयरपोर्ट के आसपास या बैरागढ़ पहुंचना है तो बड़े तालाब के ऊपर से केबल कार में होते हुए बिना सड़क के सीधे वहां उतर जाए। हमको अगर रानी कमलापति स्टेशन आना है और कहीं वो रूट हम बना रहे हैं तो भाभी आने के लिए हम केवल सड़क का इस्तेमाल नहीं करें, हम तो आसमान का इस्तेमाल भी करें, और ये असंभव नहीं है। ये मत सोचना कि मामा कहीं गप तो नहीं दे रहे हैं, ये असंभव नहीं है। टेक्नोलॉजी ने इसको संभव करके बताया है।